16-17 साल की उम्र हती। तो हम एक पान की दुकान पर खड़े हो गए 3 बत्ती पे, तो उतर पे एक बिल्कुल तकरीबन 4 फुट 11 इंच के बिल्कुल एकदम दुबले पतले से, मतलब और इतने दुबले पतले और इतने टांटड़िया और बिल्कुल झुके भए पीछे से कमान कि अगर आप उनकी नाक पे से एक अगर रस्सा लटकाओ तो गणितीय नियम के हिसाब से वो सरल रेखा में लंब बताता हुआ उनके नंगूठा से टकरे है, ठीक है, और बीच में आप कमान, मतलब बे धनु बे शान पे चढ़े हुए धनुष गाई दिखाते, ठीक है, और उनके बिल्कुल एकदम दो ही गालों के गड्ढा जो हैं बे एक दूसरे से मिलवे के लाना बेताब, मतलब इतने इतने पुछ का हो गो तो बात। अब हमने कही यार पान खिलाओ, तो बे उतर पे पान की ओ पे गुमटी पे बाजू में एक अच्छो बड़ो पथरा धरो बिल्कुल, मतलब यार तुमने हम एक्टर हैं तो थोड़ी बताने पड़े, इतनी मोटी सिल्ली, ठीक है, और एक पथरा और बीच में से कछु टूटो भाव सो, वो लगे कि जो पथरा तो ऐसे तो नहीं टूट सके, सिल्ला सिल्ला पे वे अपने बेटे गुरु हमारी तरफ उन्हें देखो, तो उनकी दो अंदर घुसी भई आंखें और हमारी दो बाहर निकली भई आंखें, जैसे ही चार भाई आपस में टकरा के, तुमने देखो बोले नए आए हो, हमने कही पान खावे आए हो, अब हम नए बच्चा है 16.5-17 साल की उम्र और उनकी उम्र होगी तकरीबन बास में 55-56 साल की, हमारे वे पहले मित्र बने सागर के, ठीक है, हमारे पहली मित्रता हमारी उनसे भाई, बोले पान खावे आए हो, हम मुंडी हिला के हमने नहीं कही, तो अब दो ही थर्मामीटर डाल रहे, हम अपनो थर्मामीटर डाल रहे उनमें टेम्परेचर नाप रहे, और बे अपनो थर्मामीटर फंसाए हम में के जाको टेम्परेचर कितो है, और दो अच्छा बे खुल के बात कर रहे और हम अब नए आदमी है भाई, गाडर वारे से आए, सागर बड़ो शहर है और बड़ी बारी बातें हमने सुनी हैं, तो अपने बैठे बैठे बोले पान खाने हैं, हमने के बिना बोले यूनिवर्सिटी में आए हो पढ़वे, बोले घूंगा है कभे है बेलघाई मूड हिला रहा हूं आऊं कर रहा है, मौसा क्यों नहीं बोलता, तो अब हम पहली बार मुस्कुराए उनकी जब बात सुन के हल्के से, और उन पान वाले से कहे एको बताओ हमारे बारे में, बोले इसको बताओ इसको समझाओ सारे को है कि हम ज्ञानी गुरुआ हैं, ठीक है, और उनने पान वाले को इंतजार नहीं करो और बोले के बेटा जे, और उस समय के बोले जे सुंदर और जे और गुलाब और जे छदम्मी और लखन जे सब जिन पहलवानों के भी नाम गिना रहे, बोले जे सब हमारे पट्टा थे समझे, अब वे लोग मतलब उस समय मध्य प्रदेश में पहलवानी में उनका मतलब कोई उनको कोई मतलब जंगा टेक लड़े मलखान वाली बात स्थिति वाली थी, वे कह रहे कि जे सब हमारे पट्टा थे, तो अब गुरु को समझ गए कि हमारी आंखों में उनके जा बात के लाने अविश्वास है, तो हमने बोले कि तुम सुनो तुम जी हमारे जा शरीर पर न जाओ समझे है, हमारा बदन इंगुर घाई चे लगता हता, बोले चक्रा घाट जाना तो तालाब पे, वहां पे तालाब है सागर में पता ही हुई है, नहीं पता हो तो बता दे रहा है, तला है एक बहुत बड़ो तला है, तो ते पे एक घाट को नाम है चक्रा घाट, बोले जो चक्रा घाट लुगाइयों को घाट, तो वो स्पेशली अलॉटेड था महिलाओं के लिए, बोले जो चक्रा घाट लुगाइयों को हाथ घाट, हम वहां पे सुबह सुबह सफर ने जाया करें तो हमारा बदन इंगुर घाई चल के, तो लोगाइयों की हाय लग लग का जहा हालत आए हो गई।